नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रासलीला में। और आज हम आपको बताएंगे शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। गुरुदेव, मुझे शिवलिंग के उत्पन्न होने के रहस्य के बारे में बताने की कृपा करें। निसंदेह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य हर पहलू में कम नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता शिव की उत्पत्ति के बारे में इतना मतभेद क्यों है? अवश्य, तुम्हारे इस प्रश्न से मैं अति प्रसन्न हूँ। वेदों की उत्पत्ति स्वयं परमेश्वर से हुई है और प्राचीन ऋषियों ने इसे अपने ध्यान की अवस्था में सम्मिलित किया था। प्रारंभ में वेद एक ही था, द्वापर युग के अंत में वेद व्यास ने इसे चार भागों में बांट दिया। चाहे वेद ही क्यों ना हो, उसका सही व्याख्यान सिर्फ उसे लिखने वाला ही बता सकता है, बाकी सब सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराण में समझाया गया है, यानी पुराण वेदों की टीका है। इसलिए शिव या उनके सूक्ष्म रूप शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग व्याख्या है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मे है, न आदि है न अंत। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे, तभी एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया। खंभे का और छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को शिवलिंग दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में कुर्म पुराण में भी एक कथा है। कुर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। वे देवों में प्रथम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।